तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का। और देखिए यार, मैं थोड़ा सा ना सैड हो गया हूँ, उदास। चलिए, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पेट का प्रॉब्लम हो गया हमको, ठीक है, और सोच सोच के परेशान हो गया हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। और आज है हमारा हिस्ट्री मेजर पेपर फोर। कौन सा पेपर? हिस्ट्री मेजर पेपर फोर। और थोड़ा सा रोजगार का भी प्रॉब्लम है, ठीक है यार। एक एज के बाद ना आपको अगर काम नहीं मिलेगा ना तो टेंशन हो जाता है। चलिए तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। शुरू करते हैं हिस्ट्री मेजर पेपर फोर। और इसमें देखते हैं प्रोफेसर गैस पेपर की ओर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी जानेंगे और सिलेबस भी जानेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे आपके एग्जाम में वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आएगा आपका वो 75 मार्क्स का आएगा। कितना नंबर? 75 मार्क्स का आएगा। और पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर, ठीक है। इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे। कहाँ जे कहीं पे दिया है? नहीं नहीं दिया। 1 नंबर या 5 को होगा, 5 नंबर या 2 को, और बाकी सभी 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, यानी कि अर्ली मेडिवल इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास जानना है। बेसिकली बोले तो 550 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास जानना है। कब से? 550 से 1200 ईस्वी तक का इतिहास, ठीक है। अब देखिए, इस बीच में जो भी हुआ वो सारी चीजें पढ़नी है। इसमें देखिए, यहाँ पे मेनली डिफाइन किया गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इमरजेंसी ऑफ न्यू पावर एंड एज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसमें आपको गुप्त काल से लेकर के पूरा एकदम यहाँ तक, कहाँ तक? कल्चर ऑफ प्री मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत तक आपको पढ़ना है, ठीक है। भक्ति काल सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। चोल, पांडव और आपके चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन सब के बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शुरू कर लेते हैं। हो गया है शुरू, और क्या करना है जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर या आपको 5 को आएगा, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो इसको आप लोग को कर लेना है। जो लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे खरीद लीजिएगा, और बाकी ये तो दे ही दूंगा मैं, फिर भी आप लोग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है आपका, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया ये जानना है। तो देखिए, गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में जितनी तरक्की किया है ना उतना किसी भी काल में नहीं तरक्की हुआ है भारत का। फिर हुन कौन थे, कहाँ से आए थे ये जानना है, ठीक है। ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। फिर से नेक्स्ट है आपका, शासन के रूप में हर्ष हर्ष कौन, हर्षवर्धन, ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन का मूल्यांकन करना है। हर्ष प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक था, व्याख्या करना है। साहित्य एवं कला के संरक्षण के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन करें। ये तीनों जो है, तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला का आयोजन करवाया था, जो कि 12 साल में एक बार होता है। झारखंड में 4 जगहों के कुंभ मेला आयोजित होता है, मालूम है ना कहाँ कहाँ पे? एक प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, उज्जैन में, ठीक है, नागपुर में और हरिद्वार में, प्रत्येक 12 साल में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे, हू वेर राजपूत, राजपूत कौन थे ये जानना है आपको। और राजपूतों का गहरा संबंध है राजस्थान से। अगला है आपका, चाहमान वंश की उत्पत्ति, मूल निवास और उत्कर्ष पर प्रकाश डालिए, ठीक है। चाहमान वंश कौन थे, इसके उत्पत्ति कैसे हुई, मूल निवास कहाँ था और उत्कर्ष कैसे हुआ, ये प्रकाश डालने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, परमार कौन थे ये जानना है। अगला हमारा यहाँ पे, सेन वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और देन आता है यहाँ पे, पांडव सभ्यता और संस्कृति पर संक्षिप्त नोट लिखें। ये सब को मैं नहीं बोलूंगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट जो होगा मैं बता दूंगा। पूर्व मध्यकालीन चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालें, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ से आपका शुरू होता है असली खेला। खेला क्या है? तो ये है आपके 15 मार्क्स वाले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 15 मार्क्स वाले को। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊंगा, नोट करते चलिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप में पहला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षात्मक
विश्लेषण करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एनालाइज क्रिटिकली द कोज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ गुप्त, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य कैसे खत्म हो गया ये चीज बताना है, फिर बताना है गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त के बारे में, इसके बारे में पूरा बताना है, ठीक है। और इतना लंबा लंबा है तो क्या आप इतना लंबा लंबा लिखिएगा, नहीं इतना लंबा नहीं लिखना है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 3 खड़ा पन्ना में करना है। कितना खड़ा पन्ना? 3 खड़ा पन्ना, 6 पेज। अगर आपके लिखने की स्पीड धीरे है तो आप 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हर्षवर्धन के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, या फिर हर्षवर्धन के प्रशासन और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में एक डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत के बहुत महान राजा थे, ठीक है, महान राजाओं में से एक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतना पढ़ लेना है और इसका आंसर आपको खुद अपने शब्दों में, देखिए यहां से पढ़ के आपको दिमाग लेना है, ठीक है, और इसको अपने शब्दों में लिखना है पहले घर पे, तब ना एग्जाम पे लिख पाइएगा, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजपूत कौन थे, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। हु वेर राजपूत, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू द एमर्जेंस ऑफ राजपूत, ठीक है। तो राजपूत कौन थे और इनका राजपूत संबंधी उत्पत्ति कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनका संबंध कैसे रहा मुसलमानों के साथ, ठीक है, ये चीज बताना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप 1 मार्क्स वाले पढ़े या ना पढ़े, 5 मार्क्स वाले पढ़े या ना पढ़े, 15 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेफिनेटली पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 5 मार्क्स वाले का आंसर आपको अपने आप आ जाएगा और 1 मार्क्स वाला भी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको अलग से सीरीज दे दूंगा। कश्मीर के प्रमुख राजवंशों पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत पर अरब आक्रमण का वर्णन करें, या भारत पे अरब आक्रमण का प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है, या फिर एक मिनट यार, भारत ने अरब आक्रमण किन कारणों से हुआ ये चीज बताइए, ठीक है, या भारत में अरब आक्रमण के कारण तथा प्रभाव को बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द इन्वेशन ऑफ अरब ऑन इंडिया, यार माउस तो सही से काम नहीं करने लगता है कभी कभी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अरबों की सफलताओं के कारणों का वर्णन करें एवं सिंध विजय का प्रभाव विवेचन करें, ये क्वेश्चन और ये जो अरब आक्रमण है, ठीक है, ये दोनों लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये भी अपने आप आपको सब कुछ वही रिपीट होंगे, ठीक है, दोनों का सेम आंसर बनेगा, अगर आप एक को पढ़ लीजिएगा तो दोनों क्वेश्चन को मैं सेम ही मानूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिहारों की शासन व्यवस्था एवं उनके समय हुई सांस्कृतिक उन्नति का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। प्रतिहार ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज तृतीय की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करना है, पृथ्वीराज के बारे में आपको पढ़ना है क्या क्या, तो क्या उसको बोलते हैं यार, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तराइन का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, परमार भोज की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उसका मूल्यांकन करें, गिव एन एस्टिमेट अरे यार पानी भी नहीं है सामने, नीचे जाना पड़ेगा, गिव एन एस्टिमेट ऑन द पॉल, एक साथ मिला दिया गया है, गिव एन एस्टिमेट ऑन द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ परमार भोज, ठीक है। सबसे पहले जानना है कि परमार भोज कौन थे आखिर, ठीक है,
फिर इसका राजनीति में क्या रोल रहा, देन संस्कृति उनके समय में कल्चरल कौन कौन से काम हुए, ये चीज बताने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अरे आज 14 नवंबर है बाल दिवस ना, जब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, बाल दिवस, आप सभी को हैप्पी बाल दिवस, नहीं हैप्पी क्या हेल बोलेंगे यार, बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बालक, आजकल कोई बोलता है आपको ए बालक, कहाँ जाता है, स्कूल में या कॉलेज में, नहीं कोई नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेन वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए, राइट इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ सेन डायनेस्टी, या फिर बंगल होगा। ठीक है, बंगल के सेन वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, सेन कौन थे, विजय सेन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है ये वाला, विजय सेन वाला। ठीक है, तो जो भी आएगा आपको आंसर सेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला हमारा है चोल वंश का परिचय दीजिए एवं चोल प्रशासन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं अभी केवल दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और जो लोग गैस पेपर नहीं खरीदे खरीद लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ का भरोसे मत रहिएगा, पीडीएफ आपको देना है अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए पीडीएफ से, लेकिन ये उनके लिए होता है जो घर से दूर रहते हैं, जिनके पास पीडीएफ कॉपी किताब अवेलेबल नहीं है, या फिर जब आप किताब नहीं हो आपके पास उस टाइम पे आप इसका यूज करें, बाकी टाइम में आप ऑफलाइन पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन को मैं बेटर मानता हूँ ऑनलाइन से। नेक्स्ट है आपका, राजपूतों के पतन के क्या कारण थे, प्रकाश डालिए। पतन मतलब समझते हैं, वो काइट उड़ाने वाला पतंग नहीं, यह है पतन मतलब डेक फॉल। ठीक है, यानी कि डेक लाइन, यानी कि उसका खत्म। ठीक है, राजपूत का साम्राज्य कैसे समाप्त हो गया, ये चीज बताना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा है क्वेश्चन, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूतों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष का वर्णन करें। देखिए, एक था पाल वंश, एक था प्रतिहार वंश, एक था राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों दक्षिण भारत में लगभग, मतलब जो हमारा साउथ इंडिया है वहां पे शासन किया करते थे, और तीनों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं त्रिकोणात्मक युद्ध, इसके बारे में बताना है आपको डिटेल में। ठीक है, और देखिए ये सभी पेपर आप लोग पास कर जाइएगा, बस ध्यान रखिएगा सेक पेपर जो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसको ध्यान से रखिएगा, ये सब तो सब कोई पास कर जाएगा। ठीक है, फेल अगर हो जाएगा तो केवल वही पेपर फेल हो सकते हैं, इसलिए उसको डेली पढ़ना है, एक घंटा, आधा एक घंटा नहीं तो आधा घंटा कम से कम। ठीक है, मैंने सब अपलोड कर दिया है। महमूद गजनी के महमूद गजनवी के भारत अभियान पर प्रकाश डालें, अभियान नहीं पूछेगा, पूछेगा तो पूछेगा ये महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उल्लेख करें, या फिर महमूद गजनवी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया। ठीक है, कारण तथा प्रभाव को लिखें, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के कारणों पर भी प्रकाश डालना है। ठीक है, मोहम्मद गौरी भारतीय अभियान का वर्णन करना है और उसकी सफलता के कारणों का भी प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे अब हमारा खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मेजर पेपर 5 लाएंगे, और आपका जो सिलेबस जारी हुआ है, सॉरी सिलेबस में बोल रहा हूँ, एग्जाम प्रोग्राम रूटीन, उसमें मेजर पेपर 5 और 6 दिया है। ठीक है, मतलब जो बना रहा था प्रोफेसर वो हड़िया पी के बना रहा था, क्या यार मालूम नहीं, वहां मेजर पेपर 5 लिख दिया है, मेजर पेपर 4 को गायब कर दिया है, मेजर पेपर 5 और 6, तो वो जो है ना प्रोग्राम वो फिर से एक बार रिवाइज होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वहां पे मिस्टेक है। अगर आपने प्रोग्राम को ठीक से देखा होगा तो मेजर पेपर 5 और 6 की बात किया गया है, जबकि मेजर पेपर 4 का वहीं पे जिक्र भी नहीं है। ठीक है, जबकि मेजर पेपर 6 जो है आपका सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है एग्जाम का सिलेबस रूटीन, उसमें आपका गड़बड़ी है, हो सकता है आपका टाइम एग्जाम का टाइम भी चेंज हो, थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए क्या होता है, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ भी हलचल होगा। ओके, बाय, टेक केयर। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा जो जो नहीं खरीदे हैं।